हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से और आप सभी का मेरे छोटे से डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे, अपना और अपने गार्डन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी डबल चांदनी का ये पौधा है, इसको मैंने कटिंग लगाया था बारिश में। अभी देखिए कितना बड़ा हो गया, तो अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी थोड़े बड़े गमले में, क्योंकि अभी इसमें फूल आएंगे। इसका मदर प्लांट मेरे ग्राउंड फ्लोर में है, तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े फूल, अच्छे फूल आते हैं, उसमें तो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़मीन में है। थोड़ी सी मिट्टी दो, पानी दो, थोड़ा सा कभी कभी खाद दे दो तो बहुत है। लेकिन गमले में तो हमें इसको अच्छे से केयर करना पड़ता है, तो इसके लिए मिट्टी वही तैयार करना है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद, और थोड़ा सा ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट डालूंगी मैं। और इसमें जो मिट्टी है, इसी मिट्टी को मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी और रेत ही है, क्योंकि मैंने जब इसका कटिंग लगाया था तब उसमें मैंने खाद नहीं डाला था। तो इसमें एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत पहले से है, तो मैं इसमें एक हिस्सा और ये खाद मिक्स कर दूँगी। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, इसको मिक्स कर दूँगी। और नीम की खली, ये देखिए ये नीम की खली है, ये थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। नीम की खली ये मुट्ठी भर इसमें डाल दूँगी। और ये बोन डस्ट है, तो बोन मिक्सचर है, इसको मैं एक दो चम्मच डाल दूँगी। तो इससे मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करूँगी, तो अभी मैं करती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रेंड्स मैंने पूरा ये पॉलीबैग से निकाल दिया है। ये देखिए पूरा जड़ देखिए कैसे भर गए हैं, ये देखिए। तो मैं इसको अभी निकाल के, इस मिट्टी से ऐसे निकाल के, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी साइड से निकाल दूंगी, फिर उसी में मैं मिक्स तैयार करके फिर इसको रिपोर्ट करूंगी। तो मैं भी मिट्टी निकालती हूँ पूरा अच्छे से। ये देखिए इसकी मिट्टी भी देखिए आप दोस्तों, एकदम रेत और कितनी भुरभुरी सी मिट्टी है। ये देखिए इसमें रेत की मात्रा देखिए कितनी अधिक है, रेत और मिट्टी है बस मैंने, और इसमें कुछ भी नहीं डाला था। ये देखिए तो पूरी साइड साइड से काफ़ी सारी मिट्टी में निकाल के फिर इसके अंदर मैं खाद डाल के रिपोर्ट करूँगी। तो ये मैं करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं इसके अंदर ये 4 o'clock का जो है इसके बीज डाल दिए थे। देखिए 4 o'clock इसमें सभी निकलने वाले। ये देखिए इसका देखिए कितना बड़ा सा बल्ब जैसा हो जाता है, इसको बीज से भी तैयार कर सकते हैं। और ये रखा हुआ था लास्ट ईयर का, इसमें काफ़ी सारे फूल आए थे। तो देखिए अब इसका बल्ब इतना बड़ा हो गया, इसको भी दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। एक बीज डाला था उसमें देखिए ऐसा हो गया, तो मैं इसको पूरा अच्छे से निकाल के फिर करूँगी, और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकाल दूँगी। देखिए काफ़ी सारी निकाल दी मैंने, पूरा बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है। देखिए तो हाथ से कितने आसानी से निकल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए बस मैं इतना भी रहने दूंगी, इसमें सब पॉटिंग मिक्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए इतना सही रखा है, और बाकी सब निकाल दिया मैंने। तो इसी मिट्टी में ये सब मिक्स डाल के, खाद वगैरह डाल के मैं तैयार करती हूँ। वही बस ये वर्मी कंपोस्ट डालना है, थोड़े से बोन मिक्सचर और नीम की खली, बस अभी मिक्सचर तैयार करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा मिक्सचर तैयार कर लिया है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद हो ही गया, क्योंकि इसी मिट्टी में मैंने सिर्फ खाद डाल दिया, क्योंकि इसमें एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत तो पहले से था, और इसमें खाद डाल दिया वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली और बोन डस्ट मिला के। देखिए मिट्टी ऐसी बिल्कुल भुरभुरी, देखिए ऐसी मिट्टी तैयार हुई है। तो अभी पहले तो मैं इसका रिपोर्ट करूँगी। नीचे देखिए मैंने ये थोड़ा सा ये डाला हुआ है गमले के टुकड़े, तो मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। ये देखिए इतना तक भर दिया मैंने, अब इस प्लांट को लगा दूंगी मैं। देखिए इसकी कितनी सारी जड़ निकाल दी मैंने, तो बस इस प्लांट को रिपोर्ट करके ऊपर से मैं मिट्टी डाल दूंगी, और फिर पूरा पानी अच्छे से डालना है इसमें, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार का कोई भी, अच्छे से पूरा मिट्टी भर के अच्छे से पानी डालना है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इसमें यार पॉकेट ना रहे, बस और कुछ नहीं। और अगर पानी के अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी क्या है हमने इसको रिपोर्ट किया है, तो इसकी जड़ देखिए कितनी सारी निकली हुई है, थोड़ा सा शॉक लगा है इसको, तो एप्सम सॉल्ट वाले पानी में पानी डालिएगा। इसको डालने के बाद 3-4 दिन छांव में रखिएगा, फिर धूप में रख दीजिएगा। तो मैं भी डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एप्सम सॉल्ट है, तो मैं इसका ये 1 चम्मच ये पानी में डाल देती हूँ, तो बस ये तो तुरंत तुरंत घुल जाता है। बस इसी पानी को मैं
इसी पानी को मैं अभी डाल दूंगी इस पौधे में, तो ये ज़रूरी है डालना एप्सम सॉल्ट। ऐसे में हो जाता है, लेकिन एप्सम सॉल्ट से जो रिपोर्ट का जो शौक है उससे बचाता है पौधे को। तो मैं इसको अच्छे से डाल दूंगी, पूरा अच्छे से, और ऐसे डालना है हमें कि ताकि पूरा मिट्टी नीचे पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। अच्छे से दवा देना है कि कहीं किसी प्रकार का कोई एयर पॉकेट ना हो। पानी डालने से पूरा एकदम एयर पॉकेट भी वगैरह कुछ रहे तो निकल जाता है। तो बस इसको भी मैं छाँव में रख दूंगी 3-4 दिन, तो फिर अच्छा हो जाएगा। इसमें भी फूल आने का टाइम है तो इसमें फूल आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।